सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिए है ये 500 ग्राम भिंडी, जिसे मैंने अच्छे से धो के किसी किचन टॉवल से पोंछ लिया है और इसके नीचे के डंठल और ऊपर का हेड को थोड़ा सा काट दिया है। भिंडी को अच्छे से पोंछ लें, उसमें पानी नहीं रहना चाहिए। अब हम इसके पीसेस कर लेंगे। हमें इसके बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस नहीं करने हैं, क्योंकि वो बाद में जब भिंडी फ्राई करते हैं तो वो श्रिंक हो जाते हैं, इसलिए हमें भिंडी के थोड़े से पीसेस बड़े ही रखने हैं। अगर छोटी भिंडी है तो उसके दो ही पीसेस करें और बड़ी भिंडी है तो उसके तीन पीसेस कर लें, इससे ज़्यादा ना काटें। और ये हमने अपनी सारी भिंडी काट ली है। और देख लेते हैं हमें इसके लिए और क्या क्या सामान चाहिए। यहाँ पे मैंने लिया है दो मीडियम साइज़ के प्याज जिन्हें बारीक काट लिया है, एक प्याज जिसकी मैंने ऐसे कलियाँ निकाल ली है, एक टमाटर जिसे मैंने छोटा काट लिया है, दो तीन हरी मिर्ची जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है। मिर्ची आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। दो चार लहसुन की कलियाँ जिसे मैंने बारीक काट लिया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और ये भिंडी के पीसेस जो हमने काट के रखे हुए हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई चढ़ाई है गैस पर, इसमें मैं डाल दूंगी एक चम्मच तेल, बड़ा चम्मच। यहाँ पे मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमने ये कलियाँ काट के रखी थी प्याज की, हम इनको शैलो फ्राई कर लेंगे। इसमें हमें इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा कलर चेंज होने तक। जैसे ही ये ट्रांसलूसेंट हो जाएंगी इन्हें हम निकाल लेंगे। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। सेम पैन में जो तेल बचा हुआ है इसी में हम अपनी भिंडी को भी फ्राई कर लेंगे। भिंडी को भी शैलो फ्राई करना है जब तक ये थोड़ी सॉफ्ट ना हो जाए। हमें भिंडी को 80% तक यहीं पे गलाना है, जब तक भिंडी अच्छे से गल जाएगी और इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। भिंडी जब हल्की सी फ्राई हो जाए तब हम इसमें मिला देंगे आधा छोटा चम्मच नमक। यहाँ पर नमक ज़्यादा ना डालें, भिंडी का कलर चेंज हो गया है और ये थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, हम इसे निकाल लेंगे। सेम पैन में मैंने लिया है यहाँ पे आधा छोटा चम्मच तेल, उसमें डाल देंगे जीरा, हरी मिर्ची, लहसुन जो बिल्कुल ऑप्शनल है, और ये हमारा बारीक कटा हुआ प्याज। सबको सॉटे कर लेंगे एक साथ। प्याज का कलर चेंज हो गया है और ये थोड़े सॉफ्ट भी हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर, टमाटर को भी मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम डाल देंगे मसाले, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, एक चौथाई चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। मिर्ची यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने हरी मिर्ची भी डाली है। आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, और यहाँ पे एक चौथाई चम्मच मैंने हींग डाली है। और अब डाल देंगे नमक। नमक हमने पहले भिंडी में भी डाला है तो नमक यहाँ ध्यान से डालें। मसाले भूनने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। ढक्कन लगा देंगे इसका और जब तक मसालों से तेल सेपरेट ना होने लग जाए तब तक हम इसको भून लेंगे। दो मिनट बाद यहाँ पे हमारे टमाटर थोड़े से मशी भी हो गए हैं और मसाला तेल सेपरेट होने लग गया है। थोड़ा सा ही हम इसको टमाटरों को मसल लेंगे और हमारा ये मसाला बन के बिल्कुल तैयार हो गया है भिंडी के लिए। अब हम इसमें डाल देंगे अपनी फ्राई करी हुई भिंडी। भिंडी को मिक्स कर देंगे मसालों के साथ अच्छे से, जिससे कि मसाला और भिंडी अच्छे से मिल जाए, जो भिंडी है वो मसालों में अच्छे से कोट हो जाए। ढक्कन लगा के यहाँ पे भिंडी को सिर्फ दो मिनट तक रखना है, क्योंकि हमें भिंडी को पहले से ही गला लिया है। दो या तीन मिनट के बाद आप देखेंगे कि भिंडी अच्छे से मिक्स हो गई है मसाले में और अच्छे से कोट हो गई है। मसाले भी सारे भिंडी में अच्छे से मिल गए हैं और ये हमारी भिंडी भी अच्छे से मसालों में मिल गई है। अब हम इसमें डाल देंगे अपने प्याज जो हमने पहले से भून के रखे हुए थे, इनको भी मिक्स कर देंगे भिंडी के साथ। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं गलाना है क्योंकि बस हमें थोड़े से खड़े खड़े ही चाहिए। अब हम इसको सिर्फ एक मिनट के लिए ढक के रख देंगे, जिससे कि सब चीज़ें अच्छे से मिल जाएं। एक मिनट बाद हम ढक्कन हटाएंगे और ये हमारी भिंडी दो प्याज़ा बनके बिल्कुल तैयार है। हमें इसमें ऊपर सब कुछ नहीं मिलाना है, ये ऐसे ही बहुत अच्छी दिख रही है। और हम इसको गैस को बंद करके इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमारी भिंडी दो प्याज़ा झटपट से एकदम बनके तैयार है। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है इसको बनाने में। और ये देखिए हमारी भिंडी कितनी कलरफुल लग रही है और टेस्ट में भी उतनी ही अच्छी है। यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा प्याज, टमाटर, हरी मिर्च के साथ गार्निश कर लिया है।
आप इसको पराठा रोटी किसी के भी साथ खाएं, ये बहुत अच्छी लगती है। और अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।